तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सहर हयात की मेहंदी। इनकी शादी अभी रिसेंटली हुई है। हमारे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनकी शादी वाले ब्लॉग्स पर रिएक्शन करो, तो हमने सोचा मेहंदी वाले से फंक्शन से शुरू करते तो निकाह तक चलेंगे अपन। सहमी इनका हैशटैग है और इनके हस्बैंड का नाम समी राशिद। तो समी राशिद इनका नाम है। अब तो हस्बैंड ही हो गए ना फियांसे का, लेकिन मेहंदी देख रहे हैं तो अभी फियांसे हैं। शुरू करते हैं अभी तो। गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और कर रहे होंगे ये हमारे समी राशिद शादी देखने की तैयारियां। अच्छा तो सीन ये है कि आप लोगों को पता है ढोलकी भी हो गई है, माइयों भी हो गई है, डांस प्रैक्टिसेस भी हो गई है। हो किस लिए है बना? बिकॉज आज है हमारी मेहंदी। मेहंदी का सीन ये है कि आपने गाना सुना होगा मेहंदी की ये रात। ये बहुत सुना है। ये पाकिस्तानी गाना है क्या या बॉलीवुड का? बताना आप लोग कमेंट करके। ठीक है तो अभी है मेहंदी का दिन। मेरा गला बहुत ज्यादा हो गया खराब, बिकॉज आप लोगों ने सुने होंगे माइयों पे बहुत ज्यादा गाने गवाए गए हैं मुझसे, और आज मेहंदी है। जनाब हो रहे हैं अपने सलोन में तैयार, और मेरा सीन ये है कि मैं भी आ गया हूँ तैयार होने के लिए, बिकॉज सुबह सुबह उठ के आपको पता काम तो करने होते हैं। मेरे साथ एक अदद मेरा छोटा भाई, वो तैयार हो चुका है, अब इसकी हेयर स्टाइलिंग होने वाली है। ओह ओह ओके। सो अब हेयर स्टाइलिंग करवाने के लिए और मैं तैयार हूं। टैटू बनवा रखा है क्या हाथ पे शहर का? सबसे ज्यादा हेयर स्टाइलिंग ही करवाता हूं, बट लेट्स सी आज क्या होता है, और उसके बाद करेंगे जन तैयार होऊंगा, जन आपको करूंगा पिक, और उसके बाद जाएंगे शूट और इवेंट पे। तो जी मैं हो गया हूँ रेडी और जनाब भी हो गए रेडी, बिकॉज उनके फोन आने बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं और मैं इतना ज्यादा टाइम लगा नहीं मुझे, बट फिर भी कहीं ना कहीं जनाब को लग रहा है मुझे ज्यादा टाइम लग गया है और मुझे तैयार किया है। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच। जान हो गई है तैयार? देखिए आप मैं कब से तैयार हूँ। यह बायर इन्होंने किया क्या है, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं और बाल बनाए और जूता पहना है यार। लेकिन लग भी तो कितना सीन है ना, तारीफ करें। लेकिन आपको ज्यादा सीन लग रही है आज, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है माशाल्लाह। ओए ओए आप भी जा रहे हो ना? मैं आपको पहले ना तब कर ही नहीं रही, आपकी बेगम को ही नहीं छोड़। अच्छा आपने आपस ही जा रहे ना? इकरा काम है इज है, ऐसी लग रही आपकी बेगम बहुत जबरदस्त। तो मैंने उसको प्यार करने का जो क्या मतलब, वो तो है ही प्यारी, वो तो क्या, वो तो आपकी बहन नहीं प्यारी है? अरे आप भी प्यारी है लेकिन एजल जाना, लेकिन आप दोनों से प्यारी भी। आप दोनों से प्यारा हमारा क्या है, बहुत प्यारी लग रही है यार इनकी बेटी को। मैं अब देख रहा हूँ अच्छा मेरी तस्वीरें तुमने वैसे नहीं खींचनी होती? और नहीं, आपकी तस्वीरों के लिए कह रही है ना कि वो तब से इसने का मेरा आज तक सोलो शूट किया जी। कब दुआ खैर पे सोलो शूट नहीं हुआ मेरा, मेरा माइयों पे कोई सोलो शूट नहीं हुआ। और आपका व्लॉग ही नहीं खत्म होता यार, तो तुझे पता ना फिर व्लॉग सेमियंस के लिए कुछ तो बनाना होता ना। अच्छा अच्छा फिर, लेकिन आज सोलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे आदिल? जी 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 देखो भाई। ओहो क्या बात है, उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी लग रही है। मेहंदी का है ना, तो मेहंदी के हिसाब से बनाया है ड्रेस। चलो चलो फादर कोई ले इधर इधर, इनका फोटोशूट इंस्टा पे डाला होगा। हम लोग सब हो गए हैं रेडी, मैं हूँ, मेरे साथ है मेरी दुल्हन। दुल्हन क्या हाल है, इतना ज्यादा डाउन क्यों हुई है? नहीं और दो से चार दफा चाय पीनी है, वो भी नहीं पिलाई यार। ये मुझे लग रहा है ब्राइड, दिस इज सो बैड, दिस इज आल्सो बैड। आए 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 आए, जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है दिल की धक 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 उतनी तेज होती जा रही है। ये बंदा बहुत फनी है, इसलिए तू डोलना नहीं है तुझे पता। तो जी आ गए हैं फाइनली हम लोग हॉल में, और सामने बैठी हुई है मेरी दो प्यारी प्यारी सालियां और एक साला सुना साले नहीं तो तू छोड़ के चला जाएगा। जा बेस्टी करता है मेरी, मैं तेरा बेस्टी हूँ, ये मेरी इज्जत है। सो क्या जाए बेस्टी, कोई दूल्हे का ख्याल है, कोई ख्याल है मेरी मेरी बेगमो छोड़ो, मेरी बहनों को भी कोई ख्याल है दूल्हे का? सारे बॉयज याद ही नहीं कर रहे हम लोगों को। ब्लॉग मंडी खुली हुई है, अभी ईद गुजरी है, अब यहाँ पे लोग होंगे सारे। सबसे ज्यादा भूख लगी है बहुत ज्यादा, इन्हें मैं खाने नहीं दिया, मैं इनके घर गई, घर जाके बोला मैंने खाना दे दो खाना दे दो। ओहो इतना यार जुलकर ने नहीं दिख रहे। हाँ इनको खाना चाहिए भाई, खाया नहीं कुछ। चलो देखो सामने सामने देखो सब सामने सामने, सबसे प्यारे हमें लग रहा है। देखो फैंस फैंस सामने देखे
इन्होंने तो बड़ा कुछ सियासी बयान दिया, बात बताइए कि आपको शहर के बारे में क्या असर पीछे दो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक है? आगे आ जाए स्टेज के पास ही आ जाए, आपको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, स्टेज को बाहर से भी आ रहे हैं। दोस्तों को पता क्यों बुलाया जाता है? ताकि दोस्त जो है ना वो खुशी में मतिया खान तेरे कहते रोटी खुलाई है। ये इनकी फ्रेंड तो वो भी है ना, जन्नत मिर्जा, और वो हाँ वलिशका अंजू, वो नहीं दिख रही है अभी तक है ना। हाँ बता ना आप लोग कौन है, शायद वो मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ पर फिलहाल जुलकर नए ना चुके हैं। आ गए भाई जुलकर नैन तो। अच्छा ये पहले खाना खाना है या पहले रोटी 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 चिल्ला रहा। अच्छा पहले डांस करें या खाना है? अरे खाना खाओ पहले फिर डांस करोगे तो हजम हो जाएगा। लड़कियां सारी मेरी डांस, बूढ़े थे भूखे पे रोटी। अच्छा डांस करे और खाने वाले खाली कर ली है। अच्छा पहले खाना खोल देते फिर। शफीक अहमद है? शफीक अहमद, शफीक अहमद रोटी खाते से घुमाना पड़ता है व्लॉगर्स को कैमरा ये फिर के। बस किसका घूमे? किसको पटीक डाले? जन्नत मिर्जा अलिशबा भी आ गई। वही सोच रहा था कि इनके बीच कोई पंगा तो नहीं हो गया भाई, पर नहीं आए हैं। अच्छा मेरी बात सुन चौधरी, हमने हमने छुपाई नहीं, हमें मिली है और हमने अच्छा ही क्या किया, बता दिया कि भाई तुम्हारी चीज मिल गई है, अब यानी तो उसमें फिटिंग क्यों डलती है। अच्छा बात सुनो, फाइनल ये है कि तुम गुवाहाटी पे दर्जा फेंक दो। हम तुम्हारी भाई दर्जा फेंक दे, हाँ वेट में तुम्हें वॉलेट में चल वॉलेट में लेकर धोखा लगा। ये उल्टी कहेगा कि मैंने 12 फेंका था, मैंने 10 कहेंगे नुकसान का। खाने के बाद आइसक्रीम तुम खिला रहे हो और 800 बेस्ट है क्या डिस्कशन चल रहा है भाई, थोड़ा सब टाइटल लिख देते है। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत, ये शहर हयात के भाई है, इन्होंने भाई बनाया हुआ है। डांस परफॉर्मेंस चौधरी जुलकर नैन। इसी बात का मालिक का इंतजाम है, इन लोग भी कह रहे हैं कि हमारा अनाउंस करते हैं, हम लाख के टिकट करा रहे हैं। मदिया एंड एहसान ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया होगा उन्होंने कॉपीराइट की वजह से, सॉन्ग उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए। 22 लोगों
क्या बात है, ये पश्तों गाना लग रहा है। ना वो पेशावर की है ना वो है कहीं और की है, इस्लामाबाद की है। अब ये परफॉर्मेंस है डायरेक्ट 1,00,000 रुपए के टिकट की कराची की। अभी तो कहता नहीं ना आज होनी चाहिए जोरदार बनाएंगे। परफॉर्मेंस जो है अब परफॉर्म करने वाला है हाशिम अनवर। बड़ी सीरियस नोट है मैंने बात किया परफॉर्मेंस के लिए, अलग से वीडियो बनाया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक वीडियो में आ जाएंगे जितने कॉपीराइट आना है। सही है। मिसिंग अवेस कव्वाली कव्वाली प्रोग्राम है। कपड़े चेंज हो गए भाई, कव्वाली सबके कपड़े चेंज हो गए भाई, ब्लैक ब्लैक में आ गए। ये सेम डे का है अगले दिन का है, ऐसे बोल तो रहे थे कव्वाली भी होगी अभी, तो सेम डे का ही होगा। क्या बात है, पैसों की बारिश हो गई। गाने की कव्वाली बना दी। एक मिनट मेरी बात सुन सुन तो तू क्यों गा रहा है यार, मेरा जान एक तो शक्ल मनहूस, ऊपर से गाने भी यार जी नहीं नहीं दोगा दोगा मैं क्यों जा करूंगा। चलो भाई ये व्लॉग इधर ही एंड होता है। इसके बाद इनके कौन कौन से व्लॉग है, चलो अभी अपन ने देखा कौन सा मेहंदी वाला, इसके बाद एक और एक बारात वाला है, और उसके बाद है वलीमा, दो वलीमा, और फिर शहर इन हॉस्पिटल में, वो अपन बाद में समझेंगे वो हॉस्पिटल में क्यों गए। अरे इनका मायो वाला ब्लॉग तो अपन ने छोड़ ही दिया, और ब्राइडल शावर वाला भी, वो जब मेहंदी वाला ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया था कि हमारी मायो हो गई है। चलो कोई बात नहीं, पहले हम ये तीन ब्लॉग देखें, इस पर आपका रिस्पांस देखते हैं कैसा है, फिर आप बोलेंगे तो फिर मायो वाला भी करेंगे, ब्राइडल शावर वाला भी करेंगे, ढोलकी वाला भी कर देंगे। आप बताना, आप बोलोगे जैसा वैसा करेंगे, आप रिस्पांस दोगे तो करेंगे। बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, और जोड़ी अच्छी लग रही है काफ़ी, और फंक्शन भी पाकिस्तान का हम देखने में बहुत मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया से काफ़ी अलग होता है, तो अलग नया कल्चर देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इसमें इन्होंने ज़्यादा बात बात नहीं की, सिर्फ फंक्शन ज़्यादा दिखाया। हाँ। तो अच्छा लगा देख के,
अब नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं भाई बारात का होगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है, और एक इनका इंस्टाग्राम पेज का भी रिएक्शन करेंगे जिसमें इनके फ़ोटोज़ ऑब्वियसली डले होंगे तो वो भी देखेंगे। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा आज का, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।